नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको हम हुडको के नाम से जानते हैं। एंड ये स्टॉक 259 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में इसने 3.29% का डाउन मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 51,789 करोड की। प्रमोटर होल्डिंग 75% है। बुक वैल्यू इसकी 83 है। डिविडेंड यील्ड 1.49% एंड फेस वैल्यू 10 है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में, एंड नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं, एंड डिविडेंड जो अनाउंस हुआ है उसके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। एंड अभी के लिए देखें तो स्टॉक 15,200 ईएमए से ऊपर ट्रेड करे, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो जो है मीडियम से थोड़ी ऊपर है, यहाँ पे 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे मीडियम से काफी ऊपर है, एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे देखा जाए तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है। इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मीडियम यहाँ पे 22.20 के आसपास है, एंड जो पी ट्रेड करिए इस टाइम पे 24.50 पे, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं, छोटू सी ऊपर है। सेल्स एंड मार्जिन में देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हमारा 100 पे बिल्कुल इंटैक्ट है। हमारा रेवेन्यू जो है क्वार्टर वन क्वार्टर इंक्रीज किया है, एंड यहाँ पे ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन भी 100 पे इंटैक्ट है, एंड हमारा नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। तो बेसिकली ये स्टॉक तो काफी सॉलिड है। फाइनेंस के सेक्टर का स्टॉक है, पहले से ही काफी सॉलिड है, फंडामेंटली टेक्निकली हर एक तरीके से सॉलिड है। अब देखिए, मैं इसके रिजल्ट यहीं पे बताने वाली हूँ आपको, क्योंकि मैंने वो चेक कर लिया है, एंड कोई ऐसी हिडन चीज नहीं है जो उसमें डीपली डिस्कस करनी हो, तो इजीली तरीके से थोड़ा इजी रहता है यहाँ पे समझना, तो मैं यहीं पे आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, हमारी क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो है वो छोटू सी यहाँ पे, सॉरी, रेवेन्यू में छोटू सा इंक्रीमेंट देखा गया है, एंड इंटरेस्ट जो है यहाँ पे कम आया है, जो कि एक अच्छी बात है। एंड एक्सपेंसेस जो है कंपेरेटिवली हमारे कम हुए हैं। सेल्स हमारी छोटू सी बढ़ी है एंड एक्सपेंसेस हमारे कम हुए हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से देखें तो सेल्स यहाँ पे जो रेवेन्यू है वो बड़ा है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड पे देखा गया है। एंड एक्सपेंसिस की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा कम थे, माइनस में थे, एंड यहाँ पे हमारे पॉजिटिव में है 8। तो बट ऐसे देखा जाए तो काफी अच्छा है ये। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 857 था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, यहाँ पे 817 है, तो छोटा सा यहाँ पे डिक्रीज देखा गया है, बट इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 688 था लास्ट क्वार्टर में, एंड इस क्वार्टर में आया है 817, तो ये एक काफी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे जो मेजर यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिला है वो है हमारा अदर इनकम का। प्रीवियस क्वार्टर में 10 थी, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में भी 10 थी, एंड अभी यहाँ पे 129 देखा गया है। अब देखिए, हमारा जो नेट प्रॉफिट आता है ना, वो उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस देखा गया है, 519, एंड यहाँ पे 700 आया है हमारा नेट प्रॉफिट। अगर हम इसको, क्योंकि हम ये जरूर देखते हैं कि अदर इनकम कितनी आ रही है, क्योंकि उसकी वजह से काफी ज्यादा फर्क पड़ता है रिजल्ट पे, तो अदर इनकम को अगर हम यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं फिर भी हमारा 571 के आसपास यहाँ पे आता है, तब भी हमारा रिजल्ट जो है काफी अच्छा आता है। तो अगर हम इसको, ऑफ कोर्स ये बैलेंस शीट में है तो हमें तो करना ही पड़ेगा, इसको रिजल्ट में आया तो हमें तो इसको करेंगे ही करेंगे ऐड। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन देखा जाए तो वो सेम रहा है कहीं ना कहीं। टैक्स बिफोर प्रॉफिट देखा जाए तो, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा जाए तो यहाँ पे 696 था लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 943 है, क्योंकि अदर इनकम भी एड हो गया तो ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमारा काफी अच्छा आया है। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में था 2.59 एंड इस बार है 3.50, तो अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे लगभग लगभग एक रुपये के आसपास बढ़ता हुआ हमें दिखा है, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो मतलब एक रुपये तो नहीं है, बट एक पॉइंट के आसपास बोल सकते हैं, क्योंकि फिगर्स कुछ डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना क्रिएट हुई, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं हम इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर। देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बहुत अच्छा है, ईयर ऑन ईयर एक बार नजर मार लेते हैं। तो ईयर ऑन ईयर पे देखिए, हमारा रेवेन्यू जो है उसमें इंक्रीमेंट है, जो हमारा एक्सपेंस है जितना इंक्रीमेंट रेवेन्यू में उसी हिसाब से कहीं ना कहीं हमारे एक्सपेंस में भी, सॉरी, इंटरेस्ट में भी यहाँ पे इंक्रीमेंट आया है, एंड एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे कम हुए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी हमारा इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, अगेन बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हम कर रहे हैं यहाँ पे अदर इनकम की बात, एंड अदर इनकम में हमारा 160 जो करोड़ है वो ज्यादा आया है इस बार, तो वो ऐड होके हमारा यहाँ पे आया। पर बट 160 करोड़ को अगर माइनस भी कर दें तो भी हमारा ये रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था हमारा
2289 करोड़ का था, यहाँ पे है 2843 करोड़ का। तो यहाँ पे हमारा 600 पॉइंट्स के आसपास का जंप देखा गया है, 550 पॉइंट्स के आसपास का, 550 करोड़ के आसपास का। एंड नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 1701 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे 2117 करोड़ का हमारा प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हमें काफी अच्छा जंप देखने को मिला है। एंड अर्निंग पर शेयर की बात करें, लास्ट ईयर हमारा था 8.50 एंड इस बार है 10.57। तो हमारा यहाँ पे हमें देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर में भी जंप। फंडामेंटली टेक्निकली ये मुझे मेरा काइंड ऑफ वन ऑफ ये ना ये वो वाले स्टॉक है जो बड़े स्टेबल होते हैं। जब कुछ समझ ना आए ना कि क्या करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो मतलब मुझे लगता है कि इनमें पैसा डाल दो तो ये काफी सेफ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अगर ये नीचे भी जाता है तो उसके बाद भी इसकी रिकवरी मतलब ये होनी ही होनी है। एक तो फाइनेंस के सेक्टर का, ऊपर से गवर्नमेंट का है एंड इतने सारे चीजें होती हैं, तो बहुत सारे मतलब ये थोड़े से सेफर साइड के स्टॉक्स होते हैं, इनमें कोई इतना ज्यादा रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सेम है। एंड FIIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, DIIs ने अपनी होल्डिंग छोटू सी कम करी है। एंड जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 11.70% है एंड लास्ट क्वार्टर में थी 11.83%। तो वो थोड़ी सी होल्डिंग जो है FIIs यहां से ले गए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई स्टॉक की पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है उसमें। ठीक है, अब आ गए हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, हमें यहाँ पे जिस दिन रिजल्ट आना था उसी दिन हमें यहाँ पे डाउन मूव देखने को मिला है 3.29% का। एंड यूजली ये देखने को मिलता है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो थोड़ा सा मार्केट ये स्टॉक नीचे जाता है। वॉल्यूम की बात करें तो 25-26 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम है अगर कंप्लीटली बात करूं, एंड काफी अच्छा वॉल्यूम है, नॉट एन इश्यू। तो अभी के लिए देखें तो ये ना हमारी एक, हमें एक बार इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम एंड राइट। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनती हुई हमें नजर आ रही है कि इसको ब्रेक करना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एंड उसके नीचे हमारी छोटू सी ये भी रेजिस्टेंस हमें बनती हुई आ रही है जहां से हमें रिवर्सल मिला है। तो कोई इतनी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है ये वाली, तो इनफैक्ट तो इसको हम कर लेते हैं येलो। अब देखिए, इसके क्वार्टर जो हम लेके चले थे वो हम डिफरेंट तरीके से लेके चले थे, हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके से बनता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे एक ना चैनल भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको एक बार थोड़ा सा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा ट्रेंड भी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो इसको एक बार हम थोड़ा सा ओके इसको कर लेंगे हम यहाँ पे क्लोन। एंड यहाँ कहीं पे मुझे ये बनता हुआ नजर आ रहा है, तो अभी ना कहीं चैनल की भी, अगर ये चैनल सही बना है जो कि मुझे लग रहा है कि बन तो रहा है यहाँ पे चैनल, तो अगर ये चैनल सही बना है तो मुझे लगता है कि ये जो रेजिस्टेंस है ना इसको ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि चैनल की भी रेजिस्टेंस है एंड बिल्कुल उसी पे है। तो चैनल से भी, क्योंकि यहाँ पे भी ये देखा गया है, यहाँ पे भी हमें ये सेम चीज देखने को मिली है, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा ब्रेक करना अगर वॉल्यूम काफी अच्छा आ जाता है। क्योंकि देखिए रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया है, तो अगर मार्केट साथ देती है एंड वॉल्यूम काफी अच्छा आ जाता है मंडे को, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से काफी अच्छे तरीके से निकल सकता है। एंड मूव की उम्मीद करें तो एक बार पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं हम। तो हमने पहले ही यहाँ पे छोटा सा एनालाइज करके रखा हुआ है, तो ये लगभग लगभग 30% से ऊपर 35% के आसपास के मूव देता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ 30% के मूव एक बार लेके चलते हैं एंड टारगेट लेके चलते हैं हम थोड़े से कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो अभी हम यहाँ पे हैं एंड यहाँ से 30% हमारा कितना होता है, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा आता है लगभग लगभग 341 रुपीज के आसपास। मतलब 340 का टारगेट हमें कहीं ना कहीं देखने को यहाँ पे मिल रहा है बड़े आराम से, क्योंकि ये पुराने पैटर्न है, मैंने पुराने पैटर्न को एनालाइज करके किया है, कुछ मैंने खुद से टारगेट्स नहीं लगाए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो हमारा हो गया टारगेट, अब देखते हैं कि ये कब तक दे सकता है हमें, एंट्री क्या बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म की एंट्री की बात करें यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि एक बार शॉर्ट टर्म की एंट्री लेना थोड़ा सा हमें देख लेना चाहिए मार्केट में। एक बार इसको वीकली करके देखते हैं कुछ इसका पैटर्न बन रहा है या नहीं। तो ये हमारा वीकली चार्ट है एंड यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न हमारा बन नहीं रहा है।
बट अगर हम इसकी कैंडल्स को एनालाइज करें तो यहाँ पे हमें बुलिश पैटर्न जरूर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें काफी अच्छा मूव मिला है, यहाँ पे भी हमें काफी अच्छा मूव मिला है। ये थोड़ा सा यहाँ पे सेलर्स का दबाव जरूर रहा है, बट यहाँ पे फिर भी स्टॉक ऊपर जाता हुआ हमें दिखा है। तो इस वीक में हमें लगभग 6% के आसपास का मूव मिला है, एंड इस वीक में हमें लगभग 14.5% के आसपास का मूव मिला है उससे पिछले वीक में। तो यहाँ पे पैटर्न तो बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हिकअप आया था दो दो कैंडल में, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है। तो अगर हमें यहाँ से, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आया है, एंड इस वाली रेजिस्टेंस के ऊपर ये रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करके काफी अच्छे से गया है, एंड यहाँ पे अब इसने सपोर्ट बना लिया है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी हो सकता है कि निकल जाए यहाँ से। तो एक बार चलते हैं हम डेज पे, तो हमारा डेज का है, एंड यहाँ का पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बेरिश थोड़ा सा पैटर्न बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला है थोड़ा सा शूटिंग स्टार, एंड शूटिंग स्टार के बाद हमें फिर से ये रेड कैंडल देखने को मिली है। बट ये रेड कैंडल को मैं इतनी ज्यादा वेट नहीं दूंगी, क्योंकि ये यूजली देखने को मिला ही है कि जब रिजल्ट आने वाला होता है तो स्टॉक यूजली नीचे जाते हैं। अब कल हमें यहाँ से रिवर्सल मिलता है नहीं मिलता है, वो एक मेजर बात रहेगी। अभी के लिए मुझे लगता है कि कल एक बार लाइव मार्केट में हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके की मार्केट है, मार्केट सपोर्ट करिए नहीं करिए, क्योंकि 2 दिन पहले निफ्टी ने हाई मारा है, तो उसके बाद आपको पता है कि थोड़ा सा कई बार ना, इलेक्शंस का भी महीना है, तो थोड़ा सा कई बार वो कर देता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एंड थोड़ा सा डाउन मूव देखने को मिलता है कुछ पॉइंट्स में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एंड अगर यहाँ से स्टॉक निकल जाता है, मुझे लगता है इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है ये 275 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन के साथ एंट्री बना सकते हैं, एंड ऊपर से ये हमारा हाई भी ब्रेक कर देगा। ये अभी तक का हमारा जो हाई चल रहा है वो है हमारा 275.50 का, यहाँ पे भी देख लेते हैं, नहीं उसके बाद भी इसने हाई मारा है वो है 277.90 का। तो 277.90 का हाई भी ये ब्रेक कर सकता है। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म के पैटर्न नहीं लेके, शॉर्ट टर्म के टारगेट नहीं लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन कैंडल नहीं मिली है। ये जो हमारे टारगेट है, ये हम 10th या 15 जून के आसपास के टारगेट लेके चले हैं। हो सकता है कि अगर ये दे जाए हमें मूव, तो हो सकता है यहाँ तक के मूव दे जाए। और दूसरी चीज ये भी है, क्योंकि अभी इलेक्शंस के रिजल्ट भी आने वाले हैं, आज 25 मई है, एंड 4 जून को सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि उसके बाद मार्केट उसके ऊपर भी काफी डिपेंड रहेगी कि कैसे क्या होता है गवर्नमेंट में, तो उसके ऊपर भी काफी चीजें डिपेंड करेगी। देखिए अल्टीमेटली तो ऊपर जाना ही है मार्केट ने, बट छोटे मोटे हिकअप जो आते हैं, कई बार हम जो शॉर्ट टर्म के लोग होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, उनको कई बार वो हिकअप ना बहुत तगड़े लग जाते हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी एंट्री नहीं बनानी चाहिए, लाइव मार्केट में देख के ही एंट्री बनानी चाहिए कि मार्केट किस साइड जा रही है, वॉल्यूम कितना आ रहा है। 24 मिलियन का अभी, 26 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम अभी आया है, तो देखना चाहिए कि वॉल्यूम कितना आएगा, कितना आ रहा है। एंड आरएसआई भी इस टाइम 66.50 पे है, आरएसआई भी काफी अच्छे पॉइंट पे है जहां से रिवर्सल देती है। यहाँ पे देखिए, यहां से इसने हमेशा रिवर्सल दिया है, काफी अच्छे मूव दिए हैं, यहां से इसने सपोर्ट बनाया है, तो आरएसआई उस पॉइंट पे बिल्कुल है जहां से रिवर्सल दे सकती है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक निकल सकता है, बट थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलने में कोई बुराई नहीं है, थोड़ा सा सेफ्टी नेट लेके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।